वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज आप संगतां दे नाल दास एक मुसलमान वीर की घटना आप जीआं दे नाल सांझी करेगा। यह मुसलमान वीर मध्य प्रदेश के जिला रीवा के रहण वाला है। ये रीवा जिला हजूर साहब के लागे ही पैंदा है। ये सारी घटना भाई हरभजन सिंह सोढ़ी ने अपनी किताब विच लिखी है। वो दसदे ने कि मैं जद एक बस के सफ़र कर रहा सी तो मैं बस में बैठ के बड़ा हैरान होया। जो ड्राइवर है वह सिख नहीं, पर उसने बस में गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की फोटो लगाई हुई है। वह भी थले बड़ी सोहनी बिछाई करके फट्टी लगा के फोटो का आसन लाया होया है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी का घोड़े वाला स्वरूप लगा होया है। तो वह दसते ने कि जब बस रुकी तो मैं उस बस ड्राइवर के कोल चला गया। तो मैं आखिया तुसी सिख नहीं हो तो तुसी आसन लाया होया है गुरु गोबिंद सिंह जी के घोड़े वाले स्वरूप का। तो वह ड्राइवर आखन लगा कि मैं मुसलमान हाँ। तो अग्यों फिर वह हस के आखन लगा, सरदार जी दूजी गल दसा, कंडक्टर भी मुसलमान ही है। तो अग्यों सोढ़ी साहब ने आखिया कि वह भी मुसलमान तो तुसी भी, पर तुसी आसन गुरु गोबिंद सिंह जी की फोटो का लगाया है, इसका की राज है। तो ड्राइवर फिर आखन लगा, सरदार जी तीजी गल दसा, बस का मालिक भी मुसलमान है तो वह हाजी है। तो उस दियां रीवा विच 100 बसा चलदियां ने, तो 100 दियां 100 बसा विच गुरु गोबिंद सिंह जी के ही स्वरूप लगे हुए ने। तो ड्राइवर आखन लगा कि वह उन्ना चिर नवी बस नहीं कढ़दा जिन्ना चिर बस में गुरु गोबिंद सिंह जी का घोड़े वाला स्वरूप ना लगा देवे। तो सोढ़ी साहब लिखते ने कि मैनू हैरानगी जी हुई तो मैं उसनू आखिया तुसी एड्रैस दे सकते हो उस हाजी का। तो उस ड्राइवर ने एड्रैस दे दिता। तो कहिंदे मैं अगले दिन उस मुसलमान हाजी के घर गया। तो कहिंदे मैं बूहा खड़काया तो उसने खोलिया। तो वह मैनू कहन लगा तुसी कौन हो। तो मैं उसनू आखिया कि मैं इस तरह तुहाडी बस में गुरु गोबिंद सिंह जी की फोटो लगी हुई वेखी है। तो तुहाडियां बाकी बसा विच भी सुनिया है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने स्वरूप लगे हुए ने, इसका की कारण है। तो अग्यों वह मुसलमान हाजी आखन लगा, सरदार जी ये बड़ी लंबी वार्ता है, इसनू सुनाउण वास्ते भी 1-1.5 घंटा लगेगा, मैं हुण किते जरूरी जाना है, मैनू माफ़ कर दिओ। तो हरभजन सिंह सोढ़ी लिखते ने, मैं दूजी बार आखिया कि मैं आया दूरों हाँ, मैनू तुसी इस बारे जरूर दसो। तो उस मुसलमान ने फिर आखिया, सरदार जी ये गल 1-1.5 घंटे विच ही खत्म होनी है, तो मैं हुण किते जरूरी जाना है। तो सोढ़ी साहब ने भी ज़्यादा मजबूर नहीं किया तो वह वापस उत्थों चल पे। तो जब वह रिक्शे वगैरह में बैठ के जान लगे तो उस हाजी का एक नौकर आ गया। तो आखन लगा, तुहानू हाजी साहब बुलाते ने। तो कहिंदे मैं फिर अंदर चला गया। तो वह हाजी आखन लगा, सरदार जी कोई रब दे प्यारे लगते हो। तो कहन लगा, जब मैं तुहानू ना कर दिती सी तो मेरे अंदर कुछ होना शुरू हो गया जिमें घबराहट जिही। तो मैं इसे करके अपना नौकर भेजिया कि मैं इस समय नू सांभ लवां कि यह बंदा गुरु गोबिंद सिंह जी का प्यारा ही लगता है। तो हरभजन सिंह सोढ़ी लिखते ने कि उस हाजी ने दसिया कि मैनू पैरालाइज हो गया। तो मैं पक्का ही बैठते पै गया, शरीर हरकत करनों हट गया। तो उस मुसलमान ने दसिया कि मैं उस वेले सिर्फ बोल ही सकता सी, मेरा शरीर का कोई भी अंग काम नहीं सी करता। तो उस हाजी ने दसिया कि मेरी पत्नी ने 15-20 दिन मेरी सेवा की, हार के अपने पेके चली गई। तो मेरा सब कुछ बिक गया। तो 5-7 दिन मैनू गुआढ़ियों ने संभालिया, तो वह भी आके गए। तो उन्हें मैनू चुक के सड़क पर पा दिता। तो उन्हें दसिया कि मेरा कोई कर्म चंगा सी जिहड़ा मैनू उन्होंने सड़क पर पाया, तो उत्थों हजूर साहब नू जाण लई जथे लंघदे सन। तो वह मुसलमान दसदा सी कि एक दिन मैं मोढ़ियां दे भार घड़ीस घड़ीस के सड़क पर पहुँच गया। तो उसने दसिया कि मैं उच्ची उच्ची बोलन लग गया कि मैं भी हजूर साहब जाना है, मैनू हजूर साहब लैके चलो, मेरे वर्गा दुखी कोई भी नहीं। तो कहिंदे कि उस जथे नू तरस आ गया। तो उन्हां लई मेरे लई एक गड्ढा कीता तो मैनू चुक के गड्ढे दे उपर बिठा दिता तो मैनू नाल लै गए। तो कहिंदे जद हजूर साहब आ गया तो उन्हां मैनू हजूर साहब एक दरख्त दे नाल ढास लवा के बिठा दिता। तो आखिया कि पुरखा वह है हजूर साहब सामने, हुण तू जाण जां हजूर साहब बाला जाने। तो उस हाजी ने दसिया कि उस दिन होले महल्ले का नगर कीर्तन निकल रहा सी, ते मैं उच्ची उच्ची रोन लग पिया, गुरु गोबिंद सिंह जी मेरे वर्गे की बाँह कौन फड़ेगा, मेरे वर्गे की बाँह कौन फड़ेगा, जिसनों घरदिया ने ते गुआढ़ियों ने भी कढ़ दिता है, मैनू न्यासरे नू कौन संभालेगा। तो जिमें आप संगतां नू पता होगा, जो गुरु गोबिंद सिंह जी का नीला घोड़ा सी उस दी बांस विचों एक घोड़ा
ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਖਾਲੀ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਉਹ ਹਾਜੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਰਖ਼ਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਕੌਣ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਘੋੜਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪੋੜ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਪੋੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੱਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਪੋੜ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਹਰਕਤ ਚੱਲ ਪਈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘੋੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੋੜ ਚੱਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਚੱਲ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਪੌਣੇ ਕੁ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਵਾਪਰੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਘੋੜਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਜੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਜੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਸਾ ਪਲਟਿਆ ਅਤੇ ਪਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੋਢਾ ਹਿਲਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਫੜ ਕੇ ਰੀਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਰਕਤ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਬੱਸਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੀ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।